असलम जी कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक और ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग आज का व्लॉग ना बहुत ही मजेदार होने वाला है पहले मैं कहती थी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग मजेदार भी होने वाला है इंटरेस्टिंग भी होने वाला है तो बिना स्किप किया आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है और जो न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसी तरह के मजे मजे के व्लॉग्स आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के टाइम से <laughs> वही ग्यारह बजे आप सबको पता है ना सुबह मेरी इतने बजे ही होती है तो मैं यहाँ पे बनाया था मैंगो का जूस और ये अगर आप लोगों का दिल कर रहा है जूस पीने का तो सॉरी गर्मी बड़ी है ना तो इस वजह से मैं ऐसी चीज़ें ही बनाती रहती हूँ जूस की रेसिपी नहीं मैं दी क्यूँकी बड़ी सिंपल है चीनी पानी मैंगो और थोड़ा सा फूड कलर में डालती हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है ना हम जो चीज़ देखते हैं हमें लगता है कि वो चीज़ टेस्ट में भी वैसी होगी जितनी अच्छी चीज़ की लुक होगी ना उतना ही खाने का मज़ा आएगा अगर यही कलर फीका होता तो सबने ने कहना था जूस भी बस नॉर्मल है मैंने इसमें थोड़ा तो फूड कलर डाल दिया है तो सही मैंगो जूस लग रहा है ना सही बताइएगा तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना क्लेवर होना पड़ता है <laughs> सब बड़े मज़े से पिए यही फीका मैं जूस देती थी ना कलर में तो वो भी सबने कहना था बस ठीक था मैं साइकी समझती हूँ सबकी <laughs> खैर जी मैं आ गई थी किचन में शुरू वैसे किचन से किया था तो मैं अभी फिलहाल आप लोगों को ना जो आलू गोश्त की रेसिपी ना बड़ी इजी इजी होने के साथ साथ ना बहुत ही मजेदार है चलिए जी बातें करते रहेंगे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ तीन बड़े साइज के प्याज है दो बड़े साइज के टमाटर छिलका उतार दिया था रफली कट कर ले कटिंग नहीं भी आती ना फिर भी बस रफली कट कर ले मोटा मोटा ही मैंने प्याज कट गया टमाटर भी और ये डेढ़ किलो मटन है जो की अभी डीप फ्रीज सही से नहीं हुआ लेकिन धोखे रखा हुआ था तो इसलिए मैंने फ्रीज किया हुआ डाल दिया क्योंकि मैंने कहा चलो वेट लगाएंगे ना पक ही जाएंगे तो डेढ़ किलो मटन है आप इसकी जगह पे बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है और मसालों में टू टी स्पून रेड चिली पाउडर वन एंड हाफ टी स्पून सोल्ट दो करी पत्ते और दो दालचीनी की स्टिक एक चम्मच भर के भरा जो है ना जीरे का चार से पांच लौंग चार से पांच काली मिर्च साबुत टू टी स्पून ड्राइ कोरियडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया पिसा हुआ और दो ग्लास इसके अंदर पानी जाएंगे बड़े मग मैंने भर के डाल दिए आप जो है ना गोश्त के हिसाब से पानी डाल लें जितना आपको पता है कि आपका गोश्त गिलाने के लिए जो है ना पानी लेता है क्योंकि हर एरिया में ना डिफरेंट हिसाब होता है गोश्त डिफरेंट हिसाब से पानी लेते है ना तो मैंने फिलहाल दो मग डाल के इसको वेट लगा दिया पंद्रह मिनट के लिए दरमियानी आश पे इसको पकने देंगे वो जो साइड में बर्तन जमा हो जाते हैं ना इसे भी साथ साथ उठा लेना है साफ कर लेना है किचन में वरना बहुत ही एंड पे आप थक जाएंगे अगर बहुत इकट्ठे तो हो गए मेरी ना एक कमेंट आया मुझे आया कमेंट उसमें वो कहती है कि मैं आपकी वीडियो देख देख के ना किचन साफ करने लग गई पहले नहीं करती थी वो कमेंट अगर मुझे मिला -सा ना तो मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी फिर ये ना ना कुछ लोग हैं कि आप अपने से ही बातें शायद बताती रहती है इसलिए मैं कमेंट अटैच कर देती होती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी वजह से किसी ने कुछ सीखा तो मेरा मकसद ही यूट्यूब पे आने का ये है कि मैं जो है ना अपनी वजह से किसी को इंस्पायर अगर कर सकू या कोई मेरी वजह से कुछ सीख सके तो मुझे बड़ी खुशी होगी और जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना बड़ी दिली खुशी मिलती है मुझे खैर अभी मैंने वेट खोला तो गोश्त नहीं गला था तो मैंने इसमें अदरक लहसन की पेस्ट डाल दी है अदरक लहसन की पेस्ट में ना मैं सूखा धनिया डाल लेती हूँ मैंने आपको रिसेंट व्लॉग में भी अपने बताया था एक चम्मच सूखा धनिया साबुत डाल के ना अदरक लहसन में मैं पानी डाल के ग्राइंड कर लेती हूँ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हम लोग ऐसे डालते हैं ना बीस लहसन के जवे थे और दो इंच का अदरक का टुकड़ा था और वो पेस्ट बना ली थी और इसमें मैंने एक कप ऑयल भी डाला है ठीक है जी अब वेट खोल दिया फिर से मैंने टोटल इसको 30 मिनट पकाया पहले 15 मिनट वेट लगाया था अब ये ऑयल और धनिया डालने के बाद हमने वेट लगाया था अब जब पूरे 30 मिनट बाद आप इसको खोलेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि ये देख लें देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है कि गोश्त गल गया है ना पानी भी खुश्क हो गया है एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए कि बिल्कुल अच्छे से गल चुका है इस पॉइंट पर बस इसकी बुनाई करनी है कि टमाटर प्याज गायब हो जाए शोरबे में नटते हुए नटते हुए जो है ना प्याज टमाटर अच्छे नहीं लगते अच्छा इस पॉइंट पे ना मैं सोचूं यार कलर क्यों नहीं आ रहा कलर क्यों नहीं आ रहा फिर मुझे याद आया हाँ हाय मैंने हल्दी तो डाली नहीं जिससे मेन टेस्ट और कलर आना है इसलिए मैंने फौरन इसमें वन टीस्पून हल्दी डाल दी आपने मसालों के साथ ही डाल देनी है मैं तो भूल गई सी ना <laughs> तो खैर अब बस इसको अच्छे से भूनना है बुनना है और ये बहुत जबरदस्त जो है ना कोरमा टाइप रेडी हो जाता है अब मैंने लिए है आलू लंबाई में कटे हुए मेरी मम्मा ना इसी तरह ही कट करती हैं लंबाई में ना और हमें ऐसी ही पसंद है तो आप अपनी पसंद के मुताबिक आलू कट कर लें छोटे कट कर लें वो कर लें ये एक किलो ही तकरीबन जो है ना आलू है हमें आलू गोश्त में ना आलू बहुत इसीलिए <laughs> तो मैंने आलू को भी अब इसके साथ भून लेना है तकरीबन दो से तीन मिनट हो रहा है बुनाई कर ली है इतनी अच्छी से करनी है कि पता चले कि कुछ बन रहा है ठीक है जी फिर आपने इसमें डाल देना है पानी जितना कि आपने शोरबा रखना है इस पॉइंट पे नमक चेक कर लीजिएगा मिर्च तो बिल्कुल पूरी थी क्योंकि टू टी स्पून मैंने ऐड की थी सिर्फ नमक की कमी थी तो वो मैंने डाल दी है हाफ टी स्पून इसको आप एक तरीका ढक्कन दे के पकने दे दस मिनट में आलू गल जाएंगे ना दरमिया दूसरा तरीका मम्मा कही थी कि तुम ना वेट लगा दो जल्दी कम मुकाओ। <laughs> तो सबको भूख भी लगी थी इसलिए ना मैंने वेट लगा दिया था पांच मिनट में जी आलू गल जाते हैं तो मैंने वेट यहाँ पे खोल दिया 5 अब मैं यहाँ पे चेक करा रही थी ये देख लें जी आलू भी अच्छे से गल गया बहुत ही अच्छे से अब बस क्या करना है फ्लेम फिर से ऑन कर लेनी है और इसके अंदर डालेंगे गर्म मसाला पिसा हुआ ये देख लें जी वन टी स्पून भर के डालना मैंने ना वीडियो रिकॉर्ड की थी वो एड ही नहीं हुई इसके अंदर खैर वो क्लिप पता नहीं मुझसे डिलीट हो गया कितने गया पता नहीं पर मैंने वन टी स्पून ना इसमें गर्म मसाला भर के डाल दिया इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है पिसा हुआ डाला है और अब धनिया डाल लेना जरूरी सी चीज है धनिया बहुत जरूरी चीज है शोरबे की खूबसूरती इससे ही बनती है ना अब जी आलू गोश्त तो तैयार हो गया अब इसे आपने ढक्कन देकर फ्लेम ऑफ कर देंगे ताकि इसको ऑयल ऊपर आ जाए और खूबसूरती इसकी और भर जाए ये देख लीजिए पाँच मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है और माशाल्लाह से जबरदस्त आलू गोश्त रेडी है आलू गोश्त की रेसिपी मैंने आप लोगों को बहुत कोशिश की है आसानी से बनाना सिखाऊ ताकि हर कोई बना सके जो कि फर्स्ट टाइम भी ये रेसिपी ट्राई करे ना तो परफेक्ट बने इंशाल्लाह तो जी लंच तो मैंने तैयार कर लिया और अब सब बेताब हो रहे थे खाने के लिए क्योंकि सबको बहुत ही भूख लगी हुई थी और आज मैंने खाना इसलिए जल्दी बनाया क्योंकि आज इतना कोई खास नाश्ता नहीं किया था तो बस जी यहाँ पे सब खाना खाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सब आज इकट्ठे खाना खा रहे हैं ज्यादातर हम इकट्ठे खाते लेकिन कभी कभी होता है जो लहदा लैदा खा लेना इकट्ठे खाना खाने, खाने से ना बरकत होती है तो माशाल्लाह सबको बहुत पसंद है आज तो मैं ना सबका दिल खुश कर दिया खाना बना के ना अब इंशाल्लाह स्वीट डिश भी आपके साथ आगे शेयर करने लगी हूँ वो भी रेसिपी मैं आपको सिखाती हूँ बड़ी ईजी तो मैं बस वहीं जाने के ना तैयार हुई थी मैंने वाया पहन लिया था हमारे घर के पास ना एक न्यू मार्ट ओपन हुआ है काफी देर से मतलब मैं ना सोच रही थी जाऊंगी जाऊंगी लेकिन ना टाइम ही नहीं निकल रहा था और कोई लेके जाने वाला भी नहीं हो रहा था ना क्योंकि भाई भी बिजी होता है सारी बात है अपने कामों में तो फिर ना आज जो है ना मैंने कहा आज तो मैं जाना ही जाना है <laughs> देख के दौ कैसा मार्ट बना है अभी तक हमने देखा ही नहीं है यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो जो मैंने स्वीट डिश बनानी है ना मैंगो कस्टर्ड ट्राइफल जो डिल्लाइट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना तो मैंने सोचा चलो उसकी चीजें भी ले आती हूँ जाके और वो मार्ट का भी टू माराते हैं टूअर कर रहे हैं तो मैं ना इसी तरह ही बोलती हूँ जैसे मैं रियल में बोलती हूँ मैं कोशिश होती है व्लॉग में भी वैसे बोलूँ मुझे ज़्यादा फैंसी या फेक बनना नहीं है जैसे मैं हूँ वैसे ही बोलती हूँ खैर <laughs> मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें जो लेनी थी ना रेसिपी के लिए और कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी कुछ खाना पीना भी तो चलता है ना नाल नाल <laughs> वो भी मैंने लेनी थी चीज़ें तो फिर बस वो सब कुछ लेके कर पाँच मिनटों में मैं घर पहुँच गई बल्कि पाँच मिनट भी मुश्किल से लगे होंगे यहाँ पर जो है ना मैं चीज़ें वगैरह दिखा रही थी ये जो कुछ चीज़ें डिज़र्ट के लिए हैं और कुछ मैंने अपने खाने पीने के लिए ली हैं और ये ना मैंने ली थी वाइट पेपर पाउडर ना सफेद मिर्च पीसी हुई जो होती है इसकी भी आगे आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली उसमें यूज़ होती है कढ़ाई हो गई या मस्ट मटन कढ़ाई होगी या कोई भी ऐसी कढ़ाई या कोई हांडी होगी उसके अंदर ये यूज़ होता है तो जी बस मैं अब अपनी खाने पीने की चीज़ें अलदा कर दी और जो रेसिपी बनानी है उसकी चीज़ें अलदा कर दी आगे मैं आपको डिटेल में भी जो है ना रेसिपी सिखाती हूँ अच्छा पता नहीं मेरी आँख में क्या बना है अच्छा मैंने अब पहनना हुआ है अभी तक मैंने कहा वीडियो बनानी है तो इसलिए ने कहा अभी ठीक है अच्छा तो ना आँख में पता नहीं क्या हुआ है मैंने ना अभी रोज वाटर लिया है आँख में ना जलन हो रही है ऐसे जैसे मिर्ची लग रही है लेकिन मेरे हाथ भी बिल्कुल मतलब साफ है और खैर अभी हर के गुलाब लाई हूँ मैं तो इसे आँखों पर लगाऊंगी तो ना सेट हो जाएगा तो इस वाली ये जो मेरी है ना लेफ्ट वाली आई इसमें मसला और अल्लाह करे सही हो जाए तो अभी भी जलन हो रही है अगर मैंने डाला है ना कुछ शायद चल लग गया हुआ आँख में खैर जी अब मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ना मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया था तो इसलिए ना मैंने सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आप लोग बताइएगा ऐसे वीडियो ऐड कर दिया करूँ या ना किया करूँ कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपके कमेंट्स ना मेरे लिए बड़े जरूरी से हैं क्योंकि आप लोग बताएंगे तो पता चलेगा ना कि आप लोगों को मेरे व्लाग्स पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे कोई मिस्टेक है तो जरूर बताएं ताकि मैं उसे सही कर सकूँ अपनी तरफ से तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ ब्लॉग अच्छे से अच्छा अपलोड किया करूँ ना बाकी आप लोग भी बताया करें जो लोग कमेंट्स करते हैं उन सबका बहुत शुक्रिया मैं सबके कमेंट्स रीड करती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप नए

पाउडर उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए साथ ही जो है ना यहाँ पे दूध बॉयल हो गया था जब दूध बॉयल हो जाए तो इसके अंदर चीनी डाल देंगे चीनी इसके अंदर ना थ्री फोर्थ कप ऐड होगी ये परफेक्ट मीठा रहेगा भी मैंने हाफ कप डाली है बाद में मैं पूरी कर लूंगी टोटल थ्री फोर्थ कप यानी तीन चौथाई कप चीनी इसमें ऐड होगी एक कप से कम ना वो इसमें सही रहेगी ना यहाँ पे देख ली मैं कस्टर्ड दिखाई थी बिल्कुल अच्छे से स्मूथ सा मिक्सचर जब रेडी हो जाए ना फिर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड का मिक्सचर डालते जाना है और इसको साथ साथ जो है ना बीटर से मिक्स करते जाना है यहाँ पर मुझे चीनी कम लग रही थी तो इस पॉइंट पर मैंने पूरी की थी ठीक है थ्री फोर्थ कप बस आपने चीनी डालनी है और अब इस इसको दो से तीन मिनट पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन खत्म हो जाए और उतनी देर में जो है ना कस्टर्ड को रख देना साइड पर ताकि वो ठंडा हो जाए और बाकी चीज़ें हम तैयार कर लेते हैं कस्टर्ड मिनटों में रेडी हो जाता सिंपल सा तरीका से हर कस्टर्ड बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है लेकिन आगे का प्रोसेस डिफरेंट है वीडियो छड़ के नहीं जाना <laughs> वीडियो पूरी देखिएगा इसमें आप लोगों का ही फायदा है रेसिपी में मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताती हूँ जो लोग स्किप कर देते हैं फिर वो कहते हैं हमारी रेसिपी नहीं अच्छी बनी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी ना अच्छा खैर यहाँ पे मैंने एक पूरा डब्बा लिया है कैंडी बिस्किट का जिसमें टिक्की साइज़ के जो कैंडी बिस्किट है ना वो होते हैं चौबीस और एक पैकेट में दो बिस्किट होते हैं ना तो पूरे पैकेट्स मैंने लिए हैं मतलब पूरा डब्बा इसमें जाएगा डिजर्ट में या फिर आप अपने टेस्ट इसके अकॉर्डिंग कम भी इसमें डाल सकते हैं बिस्किट लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है चटकी की भी तो इस वजह से ना ज़्यादा ही बिस्किट इसमें ऐड होंगे तो जी ये बिस्किट को ना चंगी तरह आपने कुटना है मतलब पीसना है मेरे पास ना जो मिक्सी है ना पता नहीं मुझसे कभी भी मिक्सी में बिस्किट नहीं अच्छे से पीसे जाते इसलिए ना मैं जिप लॉक बैग में डाल के बिस्किट को ना पिटाई कर देती हूँ थोड़ी सी तो वो अच्छी तरह जो है ना सुधर जाते हैं <laughs> खैर मतलब थोड़ा सा आपने ना इसको हल्का सा क्रश करना है बहुत ज़्यादा नहीं पीसना तो ये पूरे बिस्किट्स का जो है ना चूड़ा कह लें वो हमने इसको जो है ना कर लिया है अब आती है जी बादशाह फलों का बादशाह मैंगोस काफ़ी दिनों से मैं मैंगोस के जूस और केक बना रही थी तो मैंने कहा रेसिपी तो जरूर बनानी चाहिए ना तो मैंने यहाँ पे तीन लिए मैंगो बहुत ही मीठे होने चाहिए क्योंकि अगर मैंगोज मीठे होंगे तो ही डिजर्ट का टेस्ट अच्छा आएगा ना अच्छा मैं एक इंपॉर्टेंट बात भी बता दूँ अगर आप लोगों के एरिया में अभी मैंगोज अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो होता है ना वो क्या उसे कहते हैं जो मैं केक्स में भी अक्सर यूज़ करती हूँ एक तो जुबान पर जब नाम नहीं ना छताल फ्रूट को देख लो आधी वीडियो गुजरने के बाद याद आया है <laughs> फ्रूट कॉकटेल की टिन ले लें ले या पाइन एपल ले लें ले ले वो भी डाल सकते हैं ना अगर मैगोज़ का मौसम चला गया है अभी तो यहाँ पे हमें मैंगोज़ मिल गए थे इसलिए मैंने डाल दिया अच्छा मैंगोज़ क्यूब मैंने कट कर ली हैं और यहाँ पे जो है ना मैंने डाल दी है क्रीम कस्टर्ड के अंदर जब कस्टर्ड बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा ना फिर आपने इसके अंदर टेट्रा पैक कोई सी भी क्रीम डालनी है मैंने ओलपर्स की डाली और बहुत अच्छे से मिक्स करना है आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं बहुत स्मूथ मिक्सचर तैयार हुआ है ना और ये चमचा मैंने लग गया पता नहीं कितों <laughs> ये ना मैं लेके आई थी कुछ महीनों पहले ना बल्कि शायद साल ही हो गया इसको ना चमचे को पड़े मैंने कहा चलो आज इसका, इसका इस्तेमाल कर ही लिया जाए तो मैंने पहले एक लेयर लगाई है जो हमने कस्टर्ड क्रीमी कस्टर्ड की एक लेयर लगाई है वो बनाया था ना उसकी तो वो लगाना है ऊपर एक बिस्किट की चंगी तरह तय लगा देनी है और ये जो क्यूब में हमने कट किए ना ये डाल लेने अब मैं फिर बता रही हूँ अगर ये मैंगोज़ नहीं है तो इसमें फ्रूट कोक की जो टिन मिलती है ना उसमें से जूस निकाल के फ्रूट कोक डाल लें या पाइन डाल लें मतलब इस तरह का कुछ डाल लेना तो वो भी डिजर्ट सेम ही टेस्ट देगा अच्छा टेस्ट देगा ना अच्छा फिर मैंने लेड और एंड पे को चंगी तरह मैं साफ कर लूंगी ना, बड़ा ही अच्छी तरीके से बर्तन साफ हो जाते हैं ना तो और साइड से बाउल को साफ कर लेंगे जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया उतना ही खाने में जो है ना मजा आता है और देखने वाले का भी दिल करता है कि बार बार खाए जो भी बनाए तो यहाँ पे ना मुझसे साइड पर थोड़ा सा बिस्किट गिर गया तो मैंने कहा डेकोरेशन कर देती हूँ ये बड़ी अच्छी सी लुक बन गई नई सी ना तो बस ये भी बस जब बनाना कुछ चाहे इंसान बन कुछ जाता है तो अच्छा ही बनता है ना तो बस ऊपर मैंने मैंगो डाल दिए और मक्खियों की भी बरात आ रही है फिर मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है जब मैं कुछ मीठा बनाऊँ और मक्खियाँ आ जाएँ ये मौसम है ना बरसात का इसलिए मखियाँ आ गई तो एक मुझे ना पनीने का ये छोटा सा जो है ना वो मिला था तो मैंने कहा चलो ये ऊपर रख देती हूँ और माशाल्लाह से हमारा मीठा तैयार हो गया है अब जी मैं इसकी लुक देख के बड़ी खुश हूँ आफ्टर टू आवर्स मैं बहुत ही मेहनत के बाद इस मंजिल पर पहुंची हूं कि मैंने डिजर्ट तैयार कर लिया है बहुत ही आला लुक है आप लोग इसकी लुक देखें माशाल्लाह मुंह में पानी आ रहा है ना बस आपने वीडियो ही देखते नहीं रहना लाइक भी करना है वीडियो को कमेंट भी करना है सब्सक्राइब भी करना है चैनल को अब इसको इतनी देर ठंडा होने के लिए रखे जितनी देर आप में सब्र है मैं तो कहूँगी पांचे घंटे सब्र होना चाहिए इसको चंगी तरह ठंडा दे फ्रीजर में रख दें और उतनी देर तक कुछ और कर लें खा पी लें कोई और एक्टिविटी है तो वो कर लें मैं तो यहाँ खा ही रही हूँ मुझे ना मीठा देख देख के नमकीन की क्रेविंग होने लग गई थी तो मैं जो तो चिप्स लेके आई थी ना कैटी चिप्स मेरी फेवरेट चिप्स है तो मैं ये लेके आई थी तो मे मेरी भी मामा की भी बहुत फेवरेट है तो बस ये अब यहाँ पे मैं शुरू हो गई हूँ खाने पीने के लिए तो ये मैं खा रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मीठा कब ठंडा होगा और सबको कब दूंगी और रिव्यू कब लूँगी मैं ना जब कोई नई रेसिपी ट्राई करती हूँ ना मेरी यही कोशिश होती है सबके रिव्यूज़ लूँ ताकि पता चले रेसिपी अच्छी बनी है ताकि मैं आगे से और बनाऊँ या फिर शेयर करूँ जैसे कि आज मैंने शेयर की सबको बहुत पसंद आया ये मैंगो ट्राइफ़ल डिलाइट बहुत इजी और क्विक है मुझे तो वीडियो बनाने में टाइम लग जाता है इसलिए दो घंटे लगे आपको मैक्सिमम फोर्टी तो टू फिफ्टी मिनट्स लगेंगे ना और बाकी जी आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है चिल्ड करके बनाना है और अगर आप चाहें तो डिजर्ट कप है ना उसके अंदर बनाइएगा उसमें ज़्यादा सही रहता है एक एक बंदा सुकून से खाएगा और लेयर्स भी ज़्यादा सही रहती हैं बाकी जी अलमदुल्ला मेरी फैमिली तो आज बहुत खुश हो गई है आप लोग भी अपनी फैमिली को बना के खिलाए मजे मजे के खाने इंस्टा पे मुझे पिक्चर भी शेयर कर सकते हैं इंस्टा आईडी यहाँ पे शो हो रही होगी मैं मिलती हूँ नए बिलो के साथ दुआओं में याद रखे खुश रहें अल्लाह हाफिज